राम राम समान प्रभु नाही। विश्राम का अर्थ है कि जीवन की अस्त व्यस्तता का प्रभाव हमारे मन के व्यवहार पर न पड़े, ये विश्राम है। बाबूजी, जीवन की स्थिति परिस्थिति यदि बदल रही है और उस स्थिति परिस्थिति के बदलने के बाद भी यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है तो समझिए हम विश्राम को प्राप्त कर चुके हैं और यही जीवन का परम विश्राम है। यही कथा कराती है। कथा का एक ही कार्य है, विश्वास को दृढ़ता प्रदान कर देना है। कथा सुनते सुनते भगवान के ऊपर इतना विश्वास हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में रहने के बाद जीव केवल भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करता है, ये विश्राम है। जो भगवान से कंप्लेन कर रहा है वो विश्राम नहीं पाया है अभी। इस कथा पर विश्वास प्राप्त हो इसका क्या उपाय है? तो गोस्वामी